मानव जीवन के अस्तित्व से ही एक सवाल हमें हमेशा कचोटता रहता है, मृत्यु क्या है? ये जीवन क्या है? क्या इस भौतिक जगत में अमर होना संभव है? क्या दुनिया में कोई ऐसी विधि मौजूद है जिससे मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सके? इस तरह के ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी आते होंगे। देखिए, मृत्यु इस जीवन का परम सत्य है, इसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। हाँ, वो बात दूसरी है, आज हमारे पास में साइंस तकनीक है जिससे मानव शरीर की आयु को बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास में मौजूदा मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है जिसमें शरीर के अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और विज्ञान तो आज यह भी कहता है कि हम मनुष्य की उम्र को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई इंसान योगिक शक्ति से 100 साल या उससे ज्यादा भी जी सकता है, इसमें विज्ञान कहता है कि हम इंसान के शरीर को ऐसा बना सकते हैं कि वो 200 साल से भी ज्यादा जी सकता है, वो 500 साल जी सकता है। लेकिन वहीं दूसरा सवाल यह उठता है, लोग दावा करते हैं कि हमारे ग्रंथों में कई जगह वर्णन किया गया है कि एक मुर्दे को तांत्रिक विद्या से जिंदा किया जा सकता है। अब ये काफी विवादित है, कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अब इसमें साइंस क्या कहता है? ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारी इस पृथ्वी पर कई ऐसे सनकी साइंटिस्ट पैदा हुए जिन्होंने इस पर गहरा रिसर्च किया, जिसमें एक नाम आता है डॉक्टर रॉबर्ट कॉर्निश। और डॉक्टर रॉबर्ट कॉर्निश मुर्दे को जिंदा करने की इस कोशिश में काफी आगे निकल गए थे, उनके काफी गहरे रिसर्च थे। कॉर्निश नाम का यह साइंटिस्ट बचपन से ही काफी बुद्धिमान था। उसने 18 साल की उम्र में ही ग्रेजुएशन और 22 साल की उम्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली थी। और फिर डिग्री हासिल करने के 10 साल बाद उसे लगा कि वह मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। कॉर्निश मेडिकल साइंस में भी काफी बुद्धिमान थे और उनका मानना था जब किसी इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसके खून का प्रवाह रुक जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और उस इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। वो मानते थे अगर किसी तरह से इंसान के शरीर में खून का प्रभाव दोबारा से होने लगे तो वह इंसान दोबारा से जिंदा हो सकता है। और फिर उसने यह प्रयोग कई सारे इंसानों पर किए, इंसान वो जिनकी मौत हार्ट अटैक, बिजली के झटके या पानी में डूब कर हुई हो। मगर अफसोस, कॉर्निश के ये सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। कॉर्निश मरे हुए इंसानों के शरीर में इंटरिस नामक रसायन को इंजेक्ट करता था जिससे उस व्यक्ति का खून पतला हो जाता था, फिर उनके शरीर को तेजी से झुलाता था ताकि उनके खून का प्रभाव फिर से शुरू हो सके। साइंस के हिसाब से उसकी थ्योरी तो लगभग सही थी, लेकिन यह थ्योरी सच नहीं बन सकी। फिर इस पर रॉबर्ट ने कहा कि अब तक मुझे जितने भी इंसान मिले थे उनकी मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी, अगर किसी इंसान की बॉडी उसके मरने के तुरंत बाद मिल जाए तो हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। फिर कॉर्निश ने सोचा कि इस प्रयोग को क्यों ना कुत्तों पर किया जाए। फिर उसने 5 कुत्तों को चुना, फिर उसने उन कुत्तों को नाइट्रोजन गैस में दम घोटकर मार दिया। और फिर क्या था, उसने अपनी थ्योरी को लेकर उन कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उन 5 कुत्तों में से 3 कुत्तों की मृत्यु हो गई, वह उन्हें जीवित नहीं कर सका। पर हैरानी की बात है, उनमें से 2 कुत्ते मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो गए। फिर यह खबर अखबार में छपी और जब यह खबर अखबार में छपी तो पूरा देश हैरान हो गया। मतलब यह था कि कॉर्निश को श्योरिटी मिल चुकी थी और अब वह यह प्रयोग इंसानों पर करना चाहता था और उसने तलाश शुरू कर दी उस इंसान की जो कॉर्निश के इस प्रयोग का हिस्सा बन सके। और फिर कुछ समय बाद एक कैदी जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी इस प्रयोग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। रॉबर्ट ने कैलिफोर्निया सरकार के आगे ये अर्जी रखी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी बॉडी को उसे दे दिया जाए, लेकिन कैलिफोर्निया की सरकार ने उसकी इस अर्जी को ठुकरा दिया और कहा अगर उसके प्रयोग में वह कैदी दोबारा जिंदा हो गया तो कानून के मुताबिक हम उसे दोबारा से फांसी की सजा नहीं दे सकते और ना ही उसे जेल में रख सकते हैं और हम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। कॉर्निश की इस अर्जी को ठुकरा देने के बाद वह निराश हो गया और उसे अपना यह प्रयोग वहीं रोकना पड़ा। और अगर आप कॉर्निश के बारे में और डीपली समझना चाहते हैं तो इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है लाइफ रिटर्न्स। अब सवाल यह उठता है, कॉर्निश को अगर यह प्रयोग करने का मौका मिलता तो क्या वह सफल हो पाता? और इसमें तंत्र क्या कहता है, हमारा योग क्या कहता है? देखिए, हमारे योग में भी ऐसी पद्धति थी, कुछ ऐसी विधियां थी जिससे मरे हुए शरीर को दोबारा जिंदा किया जा सकता था।
इस पर एक बहुत अच्छी स्पीच सदगुरु जी ने भी दी है कि कोई मरता है तो वह एकदम से नहीं मरता, वह पूरा नहीं मरता, मृत्यु धीरे धीरे होती है। और शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इंसान के मरने के बाद उसके शरीर के उंगलियों के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, यानी डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके भीतर अब भी कुछ ऐसा जिंदा है जिसकी वजह से उसके नाखून और बाल बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि मृत्यु धीरे धीरे होती है। दिस इज ओनली अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है। यह कुछ उसी तरह से है जैसे माँ के गर्भ में बच्चा, उस शिशु के अंदर जीवन धीरे धीरे पनपता है, उसका हृदय बनता है और शरीर के अंग बनते हैं और वह 9 महीने बाद पैदा हो जाता है, फिर जीवन फैलने लगता है। आमतौर पर हमारे जब इस भौतिक शरीर का सिस्टम काम करना बंद कर देता है, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, तो हम उसे मरा हुआ कहते हैं, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, क्यों है ना। और तांत्रिक अपनी विधियों में शायद कुछ ऐसा ही करते होंगे कि वो हमारे शरीर के सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट कर देते होंगे, जिससे इंसान शायद जीवित हो सकता हो, लेकिन हाँ अमर कभी नहीं हो सकता। हमारे शरीर की हर कोशिका में, हर एक सेल में जीवन है, उनका अपना अस्तित्व है। पूरा शरीर एकदम से नष्ट नहीं हो सकता, मृत्यु बहुत धीरे धीरे होती है। शरीर के कुछ मेजर पार्ट काम करना बंद कर देते हैं तो समझो मृत्यु हो गई, नहीं, ये पूरा शरीर मरेगा, धीरे धीरे मरेगा। इसलिए एक समय सीमा होती थी, शायद मृत्यु के 3 घंटे बाद तक शरीर को दोबारा जिंदा किया जा सकता था। और ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियां शायद आपने भी सुने होंगे, हाँ, जिसमें हो सकता है कुछ कहानियां झूठी हों, लेकिन कुछ सच भी हो सकती हैं, जिसमें मुर्दे का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, मुर्दे को जलाने की तैयारी हो रही होती है और मुर्दा एकदम से खड़ा हो गया हो, क्यों, शायद आपने ऐसा सुना होगा। देखिए, जीवन मृत्यु ये आज भी एक रहस्य है। आज तक हम इस भौतिक शरीर को ही नहीं जान पाए हैं, इसमें भी काफी रहस्य हैं। विज्ञान काफी कोशिश कर रहा है और इससे हमें फायदा भी बहुत होता है, लेकिन उस विज्ञान का क्या जो कभी भारत में फलता फूलता था। हमारे योगी गुरुओं के पास में कुछ ऐसी तंत्र विद्याएं थीं जिससे वे बहुत कुछ चमत्कार टाइप का कर सकते थे, बट अफसोस आज वह सब कुछ खोता जा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे मानने न मानने से सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। ऐसे गहरे रहस्यों को केवल वही समझ सकता है जो काफी लंबे समय से ध्यान करता है, वह सिस्टम को भीतरी तौर पर जानने लगता है। और जब आप अपने सिस्टम को अंदर से जानने लगते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया बदल जाता है। ये सारा खेल ऊर्जा का है, एक एनर्जी का है, ये आत्मा, परमात्मा, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ ऊर्जा है। जगत में मौजूद हर एक चीज का वाइब्रेशन होता है, हर एक चीज की फ्रिक्वेंसी होती है। जो भौतिकी है उसे हम भौतिक तौर पर समझ पाते हैं और जो अति सूक्ष्म है उसे केवल योगी लोग समझ पाते हैं, गहरे ध्यान में जाने वाला ही समझ पाता है। और आपको आश्चर्य होगा जानकर, जब हम भीतर की यात्रा करते हैं, आंखें बंद करके गहरे ध्यान में बैठते हैं और जब ध्यान सधने लगता है तो उन बंद आंखों में, उस अंधकार में गजब के एक्सपीरियंसेस होते हैं और सब कुछ अपने आप ही आपका भीतरी सिस्टम आपकी समझ में आने लगता है। आपको यह भी समझ में आता है कि आपके भीतर का जो सिस्टम है वो समस्त जगत में फैला हुआ है। आपको उस अंधकार में ब्रह्मांड के रहस्यों की झलकियां दिखने लगती हैं। आपको उन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं जिनका जवाब आपको किसी किताब में नहीं मिल सकता और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे सकता है। और याद रखना कि धार्मिक किताबों में जो भी सत्य के बारे में लिखा हुआ है वह केवल इशारा है उस सत्य की ओर, वो सत्य नहीं है। सत्य लिखना तो दूर, उसे बताया भी नहीं जा सकता, उसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, उसे केवल स्वयं से ही अनुभव किया जा सकता है। और ये जब ही संभव है जब आप समाज से, इस चकाचौंध से, इस फैशन से ऊब जाएं और आपको सारी दुनिया सिर्फ अपने भीतर ही नजर आने लगे। हाँ, वही अकेलापन आपके अध्यात्म के बंद कमरे की चाबी है। वेल, आई डोंट नो आप किस ग्रुप में है, तो एक मुर्दे को दोबारा से जिंदा करने की इस विधि में जब हमारा आज का विज्ञान इस खोज में लगा हुआ है कि इंसान को किसी तरह से दोबारा जिंदा किया जा सकता है या उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है अगर ये पॉसिबल है, तो हमारे प्राचीन भारत में उस समय में शायद ऐसी कोई विधि रही होगी जिससे मुर्दे को दोबारा जिंदा किया जा सकता हो। मुझे नहीं पता आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं,
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक विज्ञान को मानने वाले, दूसरे अध्यात्म को मानने वाले। हाँ, तीसरी कैटेगरी भी होती है जो इन दोनों को बैलेंस करके चलती है। आप किस कैटेगरी में हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।